वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। अभी हम बात करेंगे उष्णा शाह की। उष्णा शाह की शादी जिस पर मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ ने शिरकत की, अब इस हवाले से एक कंट्रोवर्सी सामने आई है। उष्णा शाह ने मुख्तलिफ इंस्टा स्टोरी के जरिए उन्होंने ये कहा है कि वो वायलेटेड फील कर रही हैं। ए बी लखानी जो कि मूवी शूवी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने उन्हें इन्वाइट किया था क्योंकि वो उन्हें कुछ सालों से जानती हैं, और ये भी कि वो जहाँ पर अपने इन्विटेशन डिज़ाइन कर रही थी वहाँ पर वो मौजूद थे, इसलिए उन्होंने कर्टसी में उन्हें इनवाइट कर दिया। और उन्हें कहा गया था स्ट्रिक्टली कि उनके अलावा कोई और नहीं आएगा, वो सिर्फ अकेले शादी में शिरकत करेंगे। सिर्फ एक बंदे का इनवाइट दिया गया था उन्हें, और ये भी कि उन्हें एक स्पेशल मेमो भी दिया गया था कि कुछ भी रिकॉर्ड ना किया जाए, स्पेशली निकाह के वक्त कुछ भी रिकॉर्डिंग या पिक्चर्स नहीं ली जाएँ। ये मेमो सभी गेस्ट को सेंड किया गया था, उन्हें भी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद वो ना सिर्फ किसी और को अपने साथ लाए जो कि एक फ़ोटोग्राफ़र था, और वो भी उनकी परमिशन के बगैर, और उन्होंने उनकी फैमिली से भी झूठ कहा कि उन्हें परमिशन मिली है लाने की। और वो फ़ोटोग्राफ़र मुख्तलिफ पिक्चर्स और वीडियोस लेकर उन मुख्तलिफ पोर्टल्स पेजेस को भेज रहा था, वो भी बगैर किसी से पूछे, बगैर किसी के अप्रूवल के बगैर वो भेज रहा था। और वो अपने साथ एक ड्रोन भी लाया था जो कि हमारे निकाह के इनक्लोजर पर, जो कि सिर्फ 15 लोगों के लिए था, फैमिली के लिए, वहाँ पर वो ड्रोन बिल्कुल उनके सर के ऊपर चलाया और उनके निकाह की सेरेमनी, साइनिंग सेरेमनी को रिकॉर्ड किया। उसकी इस हरकत ने मुझे रोने पर मजबूर कर दिया। उस आदमी में कोई प्रिंसिपल, कोई एथिक्स नहीं थे। क्या कोई दुल्हन ये डिज़र्व करती है? दुल्हन क्या कोई इंसान ये डिज़र्व करता है? उष्णा ने यह भी कहा कि इस हवाले से अगर कोई कानूनी चाराजोई होती है तो वो कानूनी चाराजोई करने के लिए भी तैयार हैं।